मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान ने आज बता दी कि कलेक्टर परिसर में पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन से पूर्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मुजफ्फरनगर पहुंचे और भाजपा के चुनावी कार्यालय पहुंचकर भाजपा के समर्थकों को संबोधित किया। नामांकन के समय डॉक्टर संजीव बलियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा रलोद के जिलाध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, मुझे तीसरी बार सांसद के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। पिछले 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और पिछले 7.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के काम, बदलता हुआ मुजफ्फरनगर, जो यहाँ मुद्दे थे 65 साल आजादी के बाद भी, बिजली, सड़क और पानी, उन वे मुद्दे 10 साल में हल हुए। कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि शायद मेरे बाबा जी के समय भी कानून व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो आज मुजफ्फरनगर की। पिछले 10 साल के काम और अगले 5 साल का जो विजन है उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। बिल्कुल है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और 60 साल की उम्र में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, तो रिटायरमेंट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, एक सीमा है काम करने के। हमारे बड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो रिटायर और बेटा विधायक है, कैसा ना हो कि आगे जो बाकी बचे हुए पद हैं वो भी परिवार में चले जाएं। परिवारवाद के भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, वो तो उनकी इच्छा है, मैं नहीं रोक सकता। परिवारवाद के भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी में देखेंगे ऊपर तो सारे एक परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीचे भी देखेंगे बिजनौर में भी एक ही परिवार के पिता पुत्र सांसद विधायक, मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र सांसद विधायक, या तो आम लोगों में या किसान का बेटा मजदूर के बेटे में किसी में इतनी काबिलियत नहीं कि और चुनाव लड़ सके, या इन्हीं परिवारों को भगवान ने विशेष रूप से जन्म दिया है कि आप ही सारे पद लोगे। तो ना हम जाति पर चुनाव लड़ रहे, ना हम धर्म पर चुनाव लड़ रहे, ये चुनाव बदलते हुए मुजफ्फरनगर के विकास के लिए। हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, हम अपने काम के आधार के ऊपर जनता के बीच में। मुझे उम्मीद है कि जाति धर्म की कहीं आड़े नहीं आएगा, मुजफ्फरनगर के लिए, मुजफ्फरनगर के विकास के लिए, देश के लिए वोट डलेगा। ये वोट देश के प्रधानमंत्री को चुनने का वोट है, ये सिर्फ सांसद का वोट नहीं है। इसके माध्यम से हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ सामने कोई है ही नहीं, तो जनता चुनेगी किसी।